सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हियर इज़ द किया सेल्टोस एस टी एक्स वेरियंट। तो बात करें इसके लाइट्स वगैरह की, तो आपको पूरा LED सेटअप में मिल जाता है और इंडिकेटर्स वगैरह कुछ इसमें में ब्लिंक करता है इसका, ये एस टी एक्स। सो गाइस, बात करें BHP की, तो इसमें मिलता है आपको 113.42 BHP, 113.42 BHP के साथ 144 NM का टॉर्क देखने को मिल जाता है। इसका इंजन देख सकते हैं आप, कुछ ऐसा इतना बड़ा सा है। CRDS 16 वाट का इसका दे रखा है इंजन वगैरह, आपको देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा इंजन है गाइस। इसमें सिल्वर कलर का LY व्हील आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे किया की बैजिंग दे रखी है। बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको 190 mm का दे रखा है। इसमें एक बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है और ORVM पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है इसका। तो बैक प्रोफाइल की तरफ आते हैं तो कनेक्टिंग वे में इसका रियर लाइट दे रखा है। हजार्ड वगैरह इंडिकेटर वगैरह कुछ इस वे में ब्लिंक करता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। रियर वाइपर दे रखा है, डिफॉगर मिल जाता है, ऊपर में मिल जाता है शार्क फिन। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर दे रखा है और यहाँ स्कप प्लेट वगैरह सिल्वर दे रखा है। तो इंटीरियर की तरफ जरा चलते हैं, बाय द वे रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है इसमें आपको। तो इंटीरियर की तरफ आते के साथ आपको पूरा ग्रेस फिनिश वाला इंटीरियर देखने को मिल जाता है। बाय द वे ये मैनुअल वेरियंट है। तो बात करें तो यहाँ पर आपको किया का लोगो मिल जाता है आपको यहाँ पर पूरा मिल जाता है ये सेटअप वगैरह। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल दे रखा है, जो कि नॉर्मल वाला क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। स्मार्ट इसके ऊपर वाले वेरिएंट में मिलता है, जो कि STX Plus है और GT लाइन वगैरह में मिलता है। यहाँ पे सेल्टोस की बैजिंग मिल जाती है, सिल्वर फिनिश का पूरा रोल है यहाँ पे स्टेरिंग पे। बात करें वगैरह की, बात करें तो आपको मिल जाता है स्टेरिंग का जो एडजस्टमेंट है वो आपको टिल्टेबल टाइप का मिल जाता है, स्टेरिंग का जो एडजस्टमेंट है। इधर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको सिल्वर पॉइंटेड डोर हैंडल्स मिलते हैं यहाँ ब्लैक फिनिश के साथ। यहाँ पे स्पीकर दे रखा है, ORVM का फोल्ड अनफोल्ड आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है। यहाँ पे विंडो से रिलेटेड स्विचेस मिल जाते हैं। बात करें जरा सनवाइजर की, तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर दे रखा है। इधर की तरफ थोड़ा आते हैं तो यहाँ पे आपको LED वाला ये हेडलैम्प देखने को मिल जाता है, ऊपर में LED वाला लैम्प मिल जाता है और यहाँ पे सनग्लास होल्डर दे रखा है। बात करें इधर की, तो सनरूफ ऐसे वन टैप करते ऑन हो जाएगा, जो कि पैनारोमिक सनरूफ मिलता है ये वाला वेरियंट में आपको। देख सकते हैं आप पीछे की तरफ, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का ग्लास वगैरह यूज किया गया है। कुशन क्वालिटी आर रियली गुड, काफ़ी गुड सा है मतलब। बात करें इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो यहाँ स्टार्ट करते के साथ आपको कुछ ऐसा मिलेगा। किया कनेक्ट मिलता है इनबिल्ट इसमें, तो यहाँ पे आपको किया कनेक्ट ऑटोमेट मतलब ये आप कर सकते हैं कनेक्ट। तो थोड़ा इधर की तरफ आता है, नेविगेशन वगैरह और बहुत अच्छा दे रखा है यहाँ पे नेविगेशन वगैरह जो है। बात करें मैप, वैलेट मोड, रेडियो वगैरह सब, फ़ोन प्रोजेक्शन मीडिया, यहाँ पे मैनुअली स्मार्टफोन कनेक्शन किया कनेक्ट सब मिलता है। इसका जो रिस्पांस है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बेटर सा दे रखा है। यहाँ पे मिल जाता है आपको मीटर वगैरह आपको फुली डिजिटल दे रखा है। फ्यूल वार्निंग से रिलेटेड, इंजन वार्निंग से रिलेटेड हर एक चीज़ आपको शो करेगा यहाँ पे इसके मीटर वगैरह पे, जो कि आज के डेट में यूजफुल फीचर्स होते हैं। तो स्टेयरिंग की जो बॉडी स्टेयरिंग का जो ये है मतलब वो अच्छा है। बात करें इधर की, तो यहाँ पे डिवाइडेड टेम्परेचर्स वाला कंट्रोल मिल जाता है AC का। रियर डिफॉगर मिल जाता है, रियर डिफॉगर फ्रंट रियर डिफॉगर दे रखा है। एम्बिएंट लाइट देख सकते हैं ऐसे चल रहा है, रेड कलर का दिख रहा होगा आपको, रेड कलर का दिख रहा होगा एम्बिएंट लाइट। यहाँ पे AC वेंट्स वगैरह के ऊपर थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट लेदर का यूज़ किया गया है। बात करें तो AC की, तो आपको डिवाइडेड टेम्परेचर वाला AC देखने को मिल जाता है, जो कि उधर का टेम्परेचर आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं गाइस। तो डिवाइडेड टेम्परेचर वाला आपको ये पूरा यहाँ पे AC का ये मिल जाता है, कंट्रोल मिल जाता है, जो कि आपको टेम्परेचर इधर का आप अलग सेट कर सकते हैं पर्सन के लिए और अपना सेट टेम्परेचर अलग रख सकते हैं। जैसे कि 20 डिग्री यहाँ का दिखाया और 22 डिग्री यहाँ का। तो यहाँ नीचे रिपोर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं नीचे की तरफ बड़ा बाट का सॉकेट के साथ। बात करें कैमरा की, तो रिवर्स कैमरा काफ़ी ज़्यादा मतलब क्लियर सा मिल जाता है, जो कि आपको हेल्पफुल होने वाला है मतलब पार्किंग वगैरह में। बात करें तो की वगैरह आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, जो इसका की वगैरह है गाइस, जो कि आपको यहाँ से होल्ड करके रख सकते हैं की वगैरह कुछ ऐसा दे रखा है। इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है प्रीमियम सा, यहाँ का फोल्डर्स दे रखा है, हैंड ब्रेक मैनुअल वाला मिलता है। बात करें तो स्पेस काफ़ी ज़्यादा बेटर सा दे रखा है। बात कर लेते हैं ग्लव बॉक्स में स्पेस वगैरह की, वो भी बेटर सा दे रखा है। इधर वाले सनवाइजर पे आते के साथ आपको मिल जाता है मिरर। बात करें तो यहाँ पे आपको एक व्यू का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप पार्क कहीं क्राउडी एरिया है तो आपको व्यू नहीं मिल रहा, तो आप इसे टैप करके अपना व्यू को देख सकते हैं पीछे का, जो कि पीछे का व्यू दिखा देगा, रिवर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्पफुल होने वाला है ये। यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, चेक साउंडिंग फॉर सेफ्टी। तो यहाँ से व्यू देख सकते हैं आप। बात करें तो यहाँ से बंद कर सकते हैं। आमलेस में कुछ ऐसा स्पेस दे रखा है, सीट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल सा मिल जाता है इसमें। तो अभी चलते हैं सेकेंड रो में, आपको दिखाते हैं सेकेंड रो से गाड़ी का लुक पूरा। तो
सेकंड रो में आते के साथ आपको ये पूरा क्रोम डबल हेडलाइट का सेटअप वगैरह मिल जाता है। तो सेकंड रो में आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है सनसेट कर्टेन जो कि आपको सनलाइट से प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ पे मिल जाता है ये ब्लैक ग्लॉस फिनिश के साथ सिल्वर फिनिश वाला डोर हैंडल्स। यहाँ पे विंडो सेलेक्टर कंट्रोल, यहाँ पे स्पीकर मिल जाता है, यहाँ पे सेल्टोस की बैजिंग दी रखी है। बात करें तो बैक रो में, सेकंड रो में आ चुका, तो सेकंड रो में आते के साथ आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा इसका पूरा इंटीरियर का लुक जो कि बैक से काफ़ी ज़्यादा और प्रीमियम लग रहा है। यहाँ पे मिल जाता है पैनोरामिक रूफ ये वाला वेरियंट में। इधर आपको जो लाइट मिलता है वो LED दे रखा है, ग्रैब हैंडल्स के साथ कनेक्टेड लाइट। यहाँ पर भी आपको LED मिल जाता है लाइट ग्रैब हैंडल्स के साथ। यहाँ पे आपको रियर AC वेंट दे रखा है। यहाँ पे आपको मिल जाता है चार्जिंग पोर्ट फ़ोन चार्ज करने के लिए, यहाँ थोड़ा स्पेस दे रखा है, यहाँ पे फ़ोन रख सकते हो अपना ये प्लग करके, थोड़ा अच्छा स्पेस है इसमें। सीट्स वगैरह बहुत अच्छा क्वालिटी का है, सीट्स का जो क्वालिटी वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बेटर दे रखा है। यहाँ पे मिल जाता है सनसेट कर्टन जो कि सनलाइट से प्रोटेक्ट करेगा, उधर की तरफ भी मिल जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है सीट्स वगैरह इसका। तो यहाँ पे आपको स्पीकर वगैरह कुछ ऐसा मिल जाता है, यहाँ पे लेदर रैप आपको थोड़ा थोड़ा फिनिश देखने को मिल जाता है। बात करें तो इसमें आपको रियर आर्मरेस्ट भी देखने को मिल जाता है। तो चलते हैं थोड़ा इसका बूट स्पेस के साथ। सो गाइस बात करें बूट स्पेस की, जो कि आपको 433 लीटर का दे रखा है, राउंड फिगर में 455 बोल सकते हैं। तो बूट को जरा ओपन कर लेते हैं, जो कि आपको हाइड्रोलिक स्टेबल मिल जाता है। यहाँ पर बड़ा एक पार्सल ट्रे मिल जाता है जो कि एक्स्ट्रा लगेज कैरी करने में हेल्प करने वाला है। यहाँ पर हेलोजन बल्ब दे रखा है पीछे की तरफ। यहाँ पर बात करें तो ऐसे उठा कर ये स्पेयर व्हील मिल जाता है नीचे में, काफ़ी अच्छा स्पेस दे रखा है गाइस और क्वालिटी अच्छा है, मतलब एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा लगेज आप इसमें रख सकते हैं, काफ़ी स्पेसियस है ये, हैव अ लुक, काफ़ी स्पेसियस दे रखा है। यहाँ पे हेलोजन बल्ब मिल जाता है। बात करें तो यहाँ पे इसका बूट का क्वालिटी भी अच्छा है, मतलब लाइट है थोड़ा इसका बूट जो है, मतलब लाइट वेट है, मतलब ईजिली आप ऊपर कर सकते हैं अपने हैंड से। यहाँ पे हेलोजन बल्ब मिल जाता है जो कि नाइट में आपको लगेज वगैरह कैरी करने में हेल्पफुल होने वाला है। तो अभी इसके बूट को थोड़ा क्लोज कर देता हूँ, काफ़ी अच्छा लुक है ये सेल्टोस का।